जय हिंद दोस्तों, मैं कमांडो जीवराज कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, झुंझुनू बीआरओ की भर्ती आ चुकी है। झुंझुनू बीआरओ में क्लर्क, स्टोर कीपर, नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मेसी वालों की वैकेंसी आई है। इन सब की पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको हम वीडियो भेजते रहें। इस वीडियो को पूरा देखें, देखने से आपको भर्ती से संबंधित पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, ये भर्ती होगी कायद विश्राम स्थली अजमेर में। फॉर्म की डेट मैं बता चुका हूँ आपको। जो बच्चा फॉर्म इसको अप्लाई नहीं करेगा वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये भर्ती किस किस की होनी है? इसमें है दोस्तों, क्लेरिकल काम करने वाला सोल्जर, दूसरा है स्टोर कीपर और तीसरा है टेक्निकल साइड से। इनकी उम्र होनी चाहिए 17.5 से 23 वर्ष, या इनका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में होना चाहिए। इनकी ऊंचाई हाइट है वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन है वो हाइट और उम्र के अनुसार चेक किया जाएगा, जो कि 46 केजी से 66 केजी के बीच में होना चाहिए। चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। इसमें एजुकेशन क्या चाहिए? 10+2 बारहवीं पास होना चाहिए बच्चा। बारहवीं पास क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए? आर्ट्स में पास होना चाहिए, कॉमर्स में होना चाहिए या साइंस में होना चाहिए। अब इनमें क्या क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स के लिए इंग्लिश और मैथ ज़रूरी है। आर्ट्स से जो बच्चा पास है उसको इंग्लिश और मैथ दोनों सब्जेक्ट चाहिए। टोटल परसेंटेज 60 होने चाहिए और इन दोनों में या प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। सेम कॉमर्स में अकाउंट्स का काम है और साइंस में रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, उनको ये वैकेंसी मिलेगी। अगला है दोस्तों, सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट एएमसी का आर्मी मेडिकल कोर और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनर, मतलब ये पशुओं का इलाज करेगा, ये इंसानों का इलाज करेगा। इनकी उम्र 17.5 से 23 वर्ष होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में इनका जन्म होना चाहिए। इनकी ऊंचाई है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट में बता चुका हूँ आपको। चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर इसका फुल आउट होना चाहिए। +2 पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस विद, साइंस से पास होना चाहिए किस से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश विद मिनिमम 50%, कम से कम 50% नंबर होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर होने चाहिए। 40 से नीचे अगर किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के योग्य नहीं हैं। दूसरा क्या है? बारहवीं पास होना चाहिए साइंस से। अगर बारहवीं पास है तो किस से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी विद इंग्लिश, इंग्लिश के साथ पास होना चाहिए। नंबर 50 होना चाहिए इन सब्जेक्टों में, परसेंट 50 होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके कम से कम 40% नंबर होना चाहिए। सिपाही फार्मा, इसकी उम्र 19 से 25 वर्ष होना चाहिए। जन्म 1 अक्टूबर 1996 से 30 सितंबर 2002 के बीच में होना चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 और 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, डी फार्मा में 55% नंबर चाहिए और बी फार्मा जिन्होंने कर रखा उनको 50% नंबर चाहिए। अब ये किस से पास होना चाहिए? स्टेट फार्मा काउंसलिंग से दोनों का पास होना चाहिए या फिर नेशनल फार्मा काउंसलिंग है उससे पास होना चाहिए। इनमें दोस्तों आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो AICTE, CBSE और NIOS, इन्हीं से ही केवल पास होना चाहिए। इसमें दोस्तों किसी विपत्ति का शिकार हुए बच्चे हैं उनके लिए कुछ छूट दी गई है। इनकी हाइट 162 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। सेना के जवानों के लिए जो सर्विस मैन है, एक्स सर्विस मैन है,
वॉर विडो है या एक्स सर्विसमैन की वाइफ है, उनके बच्चों के लिए हाइट 2 सेंटीमीटर, चेस्ट 1 सेंटीमीटर और वजन में 2 केजी की छूट दी गई है, या गोद लिया हुआ बेटा है, गोद लिया बेटे की बहू है, या एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन के बच्चे को लीगली किसी विडो ने गोद लिया हो, उनको 2 सेंटीमीटर हाइट में, 1 चेस्ट में और 2 केजी वेट में छूट मिलेगी। स्पोर्ट्समैन, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है उनको इसमें छूट मिलेगी जिसने इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल खेला हो और स्टेट या स्टेट की सीनियर जूनियर किसी भी टीम में नेशनल लेवल पर खेला हो और टीम वर्क में 8वीं पोजीशन हासिल की हो, इंडिविजुअल कोई मेडल स्कोर किया हो, या कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप है उसमें 6वीं पोजीशन हासिल की हो, या इंडिविजुअल कोई मेडल जीता हो, स्टेट लेवल पर स्टेट की तरफ से नेशनल लेवल पर खेलो इंडिया गेम में पार्टिसिपेट किया हो तो, या 6वीं पोजीशन हासिल की हो टीम वर्क में, या इंडिविजुअल कोई मेडल हासिल किया हो तो उसे ये छूट मिलेगी। जिले का स्टेट लेवल पर नेतृत्व किया हो और 4वीं पोजीशन हासिल की हो टीम वर्क में, या इंडिविजुअल कोई मेडल स्कोर किया हो, स्टेट स्कूल टीम में पार्टिसिपेट किया हो इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन की तरफ से और 6वीं पोजीशन हासिल की हो, या तो या इंडिविजुअल कोई मेडल स्कोर किया हो, उन बच्चों को ये छूट मिलेगी। 5 केजी वजन में, 2-3 सेंटीमीटर चेस्ट में और 2 सेंटीमीटर हाइट में। अगला है दोस्तों फिजिकल। 1600 मीटर की दौड़ है, आपको 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है, लेकिन 5 मिनट 30 सेकंड टाइम मिलता नहीं है, ये अंडर 5 ही रह जाता है। इसमें फर्स्ट पोजीशन 60 नंबर है, दूसरी पोजीशन है वो 48 नंबर है। बीम के लिए आपको 10 बीम लगानी होती है, 10 बीम के 40 नंबर मिलते हैं, 9 के 33 हैं, 8 के 27 हैं, 7 के 21 हैं और 6 के 16 नंबर मिलते हैं। 9 फीट का डिच है, 9 फीट का गड्ढा है, वो आपको जंप लगाकर पार करना है, केवल क्वालिफाई करना है। एक 4 उंगल की फटी जिगजग वे में टेढ़ी मेढ़ी लगी होती है, उसके ऊपर चलना होता है, आपको बैलेंस दिखाना होता है, ये केवल क्वालिफाई करना होता है। फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होता है वहीं पर रैली साइड पे, और मेडिकल फिट होने पर उनको एग्ज़ाम की डेट दी जाती है और अनफिट होने पर उन्हें नज़दीकी MH हॉस्पिटल पर रिव्यू के लिए भेज दिया जाता है। COVID-19 की एडवाइजरी का पालन करना ज़रूरी है। 48 घंटे पहले का आपका कोविड का जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो लेके जानी है, हैंड ग्लव्स लेके जानी है, सैनिटाइज लेके जाना है, मास्क लगा के जाना है, जगह जगह पर थूकना नहीं है, इन सब डिसिप्लिन का पालन करना है। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, एडमिट कार्ड लेके जाना है, साफ सुथरा होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए, आप 20 फोटोग्राफ्स कैरी करना, आपको आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको कैरी करने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है मूल्यवास वो आपको कैरी करना है, जाति प्रमाण पत्र कैरी करना, आपको धर्म से संबंधित जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको कैरी करना है, स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, और आपको स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र है प्रिंसिपल हेडमास्टर से साइन किया होना चाहिए, और करेक्टर सर्टिफिकेट है आपको 6 महीने पुराना कम से कम होना चाहिए, सरपंच या म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन से साइन किया हुआ होना चाहिए। नो क्लेम सर्टिफिकेट चाहिए ताकि आपको कोई वहाँ इंजरी या कोई दिक्कत होती है तो आप पे खुद से जिम्मेवार होंगे। अनमेरिड सर्टिफिकेट लेके जाना, आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेके जाना, जो फौजियों से संबंधित बच्चे हैं वो अपना रिलेशन सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और रिलेशन सर्टिफिकेट उनसे पर्टिकुलर सेंटर है वो इशू करेंगे। NCC सर्टिफिकेट आपको कैरी करना है, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं वो आपको कैरी करने हैं। 10 रुपये का स्टाम्प लेके जाना है, नोटरी किया होना चाहिए, आपका सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपस में लिंक होने चाहिए, ये आपको कैरी करना है। ये है दोस्तों हाइट का चार्ट, एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें जिसकी जितनी हाइट है और उम्र है उसके अनुसार आपको वजन का पैमाना बताया गया है। अगला है दोस्तों, आप ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे उस भर्ती के दौरान। आपके शरीर पर टैटू कहाँ कहाँ होना चाहिए, कोहनी से नीचे कलाई के हिस्से में हो सकता है टैटू, या आपके हथेली के पीछे वाले हिस्से में टैटू हो सकता है, उसके अलावा शरीर में कहीं भी किसी भी भाग में टैटू होगा तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे लिखे कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा या हम और क्या सुधार कर सकते हैं। गुड लक, धन्यवाद, जय हिंद।